चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, समझे कि नहीं। कल तक एक और क्लास लेंगे इसका, समझे कि नहीं। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए देखे होंगे एग्जाम क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के पास। हाँ तो देखे होंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स जो है, इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझे कि नहीं। तो लिखिएगा लिख लिए। BSc मैथ पार्ट 1। पेपर फर्स्ट लिखिएगा। बुक का नाम क्या है? थियोरी ऑफ इक्वेशन। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, इस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा का सी है। लिखेंगे इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन इक्वेशन है यहाँ पर? x^4, px³, qx² rx+s^0। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला लिखिएगा क्या बोलिए? इसमें पहला लिखिएगा दिया हुआ है σ1/α, समझे कि नहीं। दूसरा लिखिएगा σ1/α², 1/α का स्क्वायर। तीसरा लिखिएगा σ α/β, तीसरा लिखेंगे σ α/β, चौथा लिखेंगे σ α/β/γ का स्क्वायर। σ α/β/γ का स्क्वायर। पचवा लिखिएगा σ α² β² σ α² β² छठा में हम लोग लिखेंगे σ α² β, σ α² β। पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, अब इसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया? तो देखिएगा आंसर इसका सॉल्यूशन में लिखिएगा, आंसर में लिखेंगे, आंसर में सिंस सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x^4 px³ qx² rx+s^0। तो देयर फोर, ध्यान से सुनिएगा, ये देखो इधर, जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा
इस नीचे वाले बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा एंड 1 बाई डेल्टा बी द रूट्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस रूट का इक्वेशन होगा, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ 1 बाई एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स के पावर 4 हो जाएगा। बताइए अगर एक्स के जगह पर 1 बाई एक्स रिप्लेस करेंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन का रूट है, तो उल्टा करेंगे तो एक्स भी क्या होगा, उल्टा होगा, तो 1 बाई एक्स के पावर 4 पी इंटू 1 बाई एक्स क्यू, क्यू इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर इंटू 1 बाई एक्स प्लस स्मॉल एस बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के पावर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स के पावर 4 इन बोथ साइड्स बी गेट, एक्स के पावर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, पी एक्स बचेगा, क्यू एक्स स्क्वायर बचेगा, आर एक्स क्यू बचेगा, एस एक्स के पावर 4 बचेगा बराबर 0। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, एस एक्स के पावर 4 प्लस आर एक्स क्यू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या हो गया, 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, 1 बाई डेल्टा। बात समझे कि नहीं, तो देयर फोर अब हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लिखेगा देयर फोर सिगमा 1 बाई अल्फा बराबर क्या होगा, 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, 1 बाई डेल्टा। तो देखिए रूट का सम है, बताइए तो रूट का सम क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4। तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस आर बटा एस होगा, बताइए होगा ना, उसके बाद दो दो रूटों का प्रोडक्ट सिग्मा अल्फा बीटा बराबर 1 बाई अल्फा बीटा, 1 बाई अल्फा गामा, उसके बाद 1 बाई अल्फा डेल्टा, 1 बाई अल्फा बीटा, 1 बाई अल्फा गामा, 1 बाई अल्फा डेल्टा, 1 बाई बीटा गामा, 1 बाई बीटा डेल्टा, उसके बाद 1 बाई बीटा डेल्टा प्लस 1 बाई गामा डेल्टा, है ना, ये आपका हो गया सब दो दो रूटों के प्रोडक्ट का सम बराबर क्या होगा, बताइए बराबर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट बता एक्स के पावर 4 का कोफिशेंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, बताइए क्यू है, और एक्स के पावर 4 का कोफिशेंट क्या है, स्मॉल एस है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन रूटों का प्रोडक्ट 1 बाई अल्फा बीटा गामा, तो 1 बाई अल्फा बीटा गामा है ना, बोलिए अल्फा बीटा गामा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा है ना, प्लस क्या लिखेंगे, 1 बाई अल्फा बीटा डेल्टा, 1 बाई बीटा गामा डेल्टा, 1 बाई बीटा गामा डेल्टा, एक और होगा 1 बाई अल्फा गामा डेल्टा, 1 बाई अल्फा गामा डेल्टा है ना, अब कुछ लिखेंगे तो रिपीट करेगा, बात समझ गए ना, तो तीन तीन रूटों का प्रोडक्ट है तो माइनस लगेगा ही है ना, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है पी, और एक्स के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है स्मॉल एस, उसके बाद चारों रूटों का प्रोडक्ट 1 बाई क्या होगा बताइए, हाँ इसको ऐसे 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा इंटू 1 बाई डेल्टा बराबर 1 बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर चार रूट का प्रोडक्ट है तो प्लस होगा कांस्टेंट टर्म क्या है 1 आबट्टा एस होगा, बताइए अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, पहला का, तो पहला तो आसानी से निकलिए गया है ना,
लिखिएगा पहला लिखिएगा पहला वी हैव सिग्मा वन बाई अल्फा, तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन बाई गामा प्लस वन बाई डेल्टा का मान किसके बराबर है बताइए, माइनस आर बाई एस का। अल्टरनेटिव मेथड देख लीजिए इसका, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होगा, सिग्मा वन बाई अल्फा है बताइए, तो ऊपर नीचे में बीटा गामा डेल्टा लाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे देखिएगा ऊपर वाला, यहाँ एक बार और ऊपर जाते हैं हम लोग ठीक ना, उसका भी यूज पड़ेगा। जैसे अगर ए आपका इक्वेशन होता तो देन देयर फोर, अगर ए इक्वेशन होता तो सिग्मा अल्फा बराबर क्या होता बताइए, माइनस पी नरे बेहुदा। अग सिग्मा अल्फा बीटा बराबर क्या होता बताइए, क्यू होता। अ सिग्मा अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता, माइनस आर होता। एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर क्या होता, एस होता कि नहीं बताइए। तो उसी प्रकार पहले लिख लो, ये लिख लो तो यूज पड़ेगा आगे। ऑनलाइन वाले क्लास साउंड क्लियर है ना, कौन कौन क्लास कर रहे हैं थोड़ा अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए, कौन कौन क्लास कर रहे हैं अपना अपना नाम लिख के मैसेज करके भेज दीजिए जल्दी। हो गया, आगे बढ़े तो ये क्या होगा बताइएगा, तो इसको हम आगे लिखते हैं देखिएगा, तो वन बाय देखिए तो नीचे में हम लोग इस क्या है, ए आपका अल्फा है ना, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लाने के लिए बीटा गामा डेल्टा से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर है ना बताइए, तो चारों रूटों का प्रोडक्ट है तो नीचे सिग्मा नहीं लगेगा सिर्फ ऊपर लगेगा, तो क्या हो गया सिग्मा बीटा गामा डेल्टा बट्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा बताइए। और याद कीजिए आप लोग को बताए थे कि सिग्मा अल्फा बीटा गामा का मान चाहे सिग्मा बीटा गामा डेल्टा का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए तो सिग्मा अल्फा बीटा गामा बट्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, ई सिग्मा अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, माइनस आर है, और इसका मान क्या है एस है, तो देखिए तो ये आ गया कि नहीं, माइनस आर बाई एस, अरे बोलो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किसका एलसीएम, इसका हाँ इससे भी होता है, कैसे दूसरा आएगा रे बेहुदा, मारेंगे बेहूदा फाड़ देंगे, वो सिग्मा वन बाई अल्फा है तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन बाई गामा प्लस वन बाई डेल्टा होगा, अब उसका एलसीएम जो होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एलसीएम लेंगे तो यहाँ अल्फा है तो ऊपर में क्या लिखेंगे, बीटा गामा डेल्टा प्लस, नहीं लिखेंगे रे बेहूदे है तुम, तो पूरे आ जाएगा तो चारे गुना आएगा, तो चारे गो आएगा तो सिग्मा लगाएंगे ना, समझ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को अब डंटा से मारना होगा तब समझ में आएगा, चलो लिखो दूसरा, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड बताओ सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है बताओ, सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर, सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर का मान निकाल, मतलब वन बाई अल्फा स्क्वायर पार्ट वन का, कौन लड़का है
बुलाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/α² 1/β² 1/γ² 1/δ² अब ध्यान से सुनिएगा। तो बिहेव इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1/α का होल स्क्वायर। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिग्मा 1/α का होल स्क्वायर का मतलब 1/α 1/β 1/γ प्लस 1/δ। अगर हम सिग्मा 1/α स्क्वायर है, एक मिनट, तो अगर लिखना होता क्या, सिग्मा 1/α इंटू सिग्मा 1/α, तो गुना करेंगे तो सिग्मा 1/α का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो आप लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अब प्लस टू, अब दो दो का प्रोडक्ट 1/α β 1/α γ 1/α δ, 6 होगा अल्फा डेल्टा, उसके बाद 1/β γ, है ना जी, 1/β γ 1/β δ, तो क्या होगा प्लस 1/ क्या लिखेंगे गामा डेल्टा, ही ना, नहीं बोल रहा है रे। इसका इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा 1/α², है ना, आ इसको लिखेंगे 2 सिग्मा 1/α β। तो हम लोग इसका मान निकालना है, तो देयर फोर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा 1/α² बराबर सिग्मा 1/α का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1/α β, है ना। अब देखिएगा, सिग्मा 1/α का मान क्या है बताइए, सिग्मा 1/α का मान क्या है बताओ, माइनस R/S का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसका मान क्या है बताओ, आए Q/S, तो ये हो जाएगा क्या अरे बेहुदा ये सब इतना कमज़ोर है, मारेंगे ना, झोटा उखाड़ लेंगे तुम्हारा, इसको राइटे में रहने देंगे और इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो इतना माइनस इतना होगा, फिर इसको राइट में है तो लेफ्ट में, आप पूरे को राइट में, बेहुदा R²/S² माइनस 2Q/S। तुमको आजकल बहुत गर्मी लग रहा है और क्लास नहीं करता है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का क्लास नहीं ना कर रहा है, 10 दिन बचा है, ओकरा बाद आएगा, एक ही चैप्टर है। तो देखिए एस स्क्वायर और एस का एलसीएम, एस स्क्वायर होगा R² एगो एस तो 2Q S होगा, यही आपका आंसर निकल के आ गया। उतार लीजिए, बताओ कूलर वहाँ रखा हुआ था, अभी कितना फायदा हो रहा है ना, बहुत गर्मी है बाप रे, ऊपर से जो समझ रहे हो, ऊपर से है कर कर, कल 2 बजे कॉलेज से आ रहे थे, इतना धूप था मत पूछो, मतलब लग रहा था कपड़ा सट जाएगा सर। हाँ, रिचार्ज खत्म हो गया था, हाँ, रिचार्ज किए थे, फिर बाद में लगता है 12-1 बजे ही खत्म हो गया। हम कॉलेज में हम इंटरव्यू ले रहे थे, अब लाइनों कट गया। चलो, हमको कम से कम पंखा आ रहा है, चलो आगे बढ़े। चले लिखिएगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा अब नेक्स्ट कैमा है बताइए, तीसरा है ना, कैमा है तीसरा, क्या है बताओ? सिग्मा अल्फा बाई, अल्फा बाई बीटा है ना, सिग्मा अल्फा बाई बीटा है। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बाई बीटा है, तो हम लोग इसका मान निकाल, ऐसे पहले लिख दो, जैसे यहाँ पर क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है ना। तो क्या लिखेंगे, अल्फा बाई बीटा ना, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई गामा, अल्फा बाई डेल्टा, फिर बीटा बाई गामा, बीटा बाई डेल्टा, फिर गामा बाई डेल्टा। अब गामा बाई अल्फा नहीं करेंगे चूंकि गामा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई डेल्टा, बीटा बाई अल्फा, ठीक है, देख लेते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखे तो लिखेंगे वी हैव, देखिए ना ये देखो, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा वन बाई बीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि सिग्मा वन बाई अल्फा चाहे सिग्मा वन बाई बीटा आपस में बराबर नहीं होगा, तो सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा वन बाई अल्फा, तो सिग्मा अल्फा, देखिएगा सिग्मा अल्फा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अब वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन बाई गामा प्लस वन बाई डेल्टा, सबको गुना करो, तो गुना करोगे तो चार गो तो हो जाएगा है ना, चार होगा ना जी, अब बाकी ये सब आएगा, गुना करो, पहले इस अल्फा को सब में गुना करो, इस बीटा को सब में गुना करो, गामा को सब में गुना करो, डेल्टा को सब में गुना करो, गुना करो तो बहुत आएगा, समझे कि नहीं? चलिए उतारिए जल्दी। गुना करो, ऐसे होगा, देखो जब इसको गुना करोगे ना तो ये अल्फा में एक बार इससे, बीटा में एक बार इससे, गामा में, तो चार गो ऐसे हो जाएगा, चार प्लस आ सिग्मा अल्फा बाई बीटा निकल के आएगा है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है किसका मान, सिग्मा अल्फा बीटा का मान निकालना है, तो सिग्मा अल्फा बाई बीटा बराबर सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा वन बाई बीटा माइनस फोर। और याद कीजिए हम लोग अभी जस्ट बोले हैं ना कि सिग्मा वन बाई अल्फा का मान चाहे सिग्मा वन बाई बीटा का मान चाहे सिग्मा वन बाई गामा का मान चाहे सिग्मा वन बाई डेल्टा का मान सेम होगा, तो इसके जगह पर हम लोग सिग्मा अल्फा और सिग्मा वन बाई अल्फा माइनस फोर यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में। अब देखिएगा इसका मान क्या था, सिग्मा अल्फा का मान क्या था बताओ, सिग्मा अल्फा का मान क्या था, माइनस पी था, और सिग्मा वन बाई अल्फा का मान माइनस आर बाई एस निकाले थे ऊपर माइनस फोर, तो ये हो जाएगा पी आर बाई एस माइनस फोर, यही आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको जल्दी।
अब क्या है, अब क्या है बताइए। चौथा ना होगा, चौथा बताइए क्या है। वी हैव क्या है बोलिएगा। सिग्मा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। तो नाउ इसका वैल्यू निकालना है। तो वी हैव सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर। जैसे देखिए ना यहाँ पे सिग्मा सिग्मा अल्फा बीटा इंटू सिग्मा वन बाई अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर। सिग्मा वन बाई गामा स्क्वायर लिखे चाहे सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर लिखे, बात बराबर है कि नहीं। तो देखिए अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, देखिए चार गो रूट है, अल्फा है, बीटा है और गामा है और डेल्टा है कि नहीं। तो अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा के साथ, अल्फा को गामा के साथ, अल्फा को डेल्टा के साथ, फिर बीटा को गामा के साथ, फिर बीटा को डेल्टा के साथ, फिर बीटा को अल्फा के साथ तो हो ही गया है, फिर गामा को डेल्टा के साथ ही ना, 1 2 3 4 5 6। आई इंटू क्या होगा, 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई बीटा स्क्वायर, 1 बाई गामा स्क्वायर, 1 बाई डेल्टा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो कैसे गुना कीजिएगा, यू अल्फा बीटा से पहले सब में गुना कीजिए, अल्फा बीटा तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा होगा बताइए, बीटा बाई अल्फा होगा। अल्फा बीटा में इससे गुना कीजिएगा तो अल्फा बाई बीटा ना होगा, अरे बोलो, अरे अल्फा बीटा में इससे गुना तो अल्फा बाई बीटा होगा। उसके बाद इस अल्फा बीटा बाई गामा स्क्वायर होगा, उसके बाद अल्फा बीटा बाई डेल्टा स्क्वायर होगा, है ना, एक आया। उसके बाद फिर अब इससे गुना करेंगे, गामा बाई अल्फा होगा बताइए, उसके बाद अल्फा गामा बाई बीटा स्क्वायर, उसके बाद अल्फा बाई गामा है ना, उसके बाद अल्फा गामा बाई डेल्टा स्क्वायर, 6 गो होगा। अब इससे गुना कीजिए, प्लस बीटा गा अल्फा डेल्टा से, अल्फा डेल्टा से डेल्टा बाई अल्फा प्लस अल्फा बी डेल्टा बाई बीटा स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अल्फा डेल्टा बाई गामा स्क्वायर अब प्लस अल्फा डेल्टा बाई, तो अल्फा बाई डेल्टा हो जाएगा है ना, प्लस उसके बाद बीटा गामा को सबसे गुना कीजिए, तो बीटा गामा बाई अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा बाई अल्फा स्क्वायर, लाइट आ गया, बीटा गामा बाई अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा बाई अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा बाई बीटा, फिर बीटा बाई गामा, फिर बीटा गामा बाई डेल्टा स्क्वायर। उसके बाद 4 गो हो गया है, अब 2 गो और होगा। अब इसको इस सभी से, तो बीटा डेल्टा बाई अल्फा स्क्वायर प्लस लिखेंगे बीटा से बीटा कैंसिल, डेल्टा बाई बीटा, उसके बाद बीटा डेल्टा को गामा से, बीटा डेल्टा बाई गामा स्क्वायर, उसके बाद डेल्टा से डेल्टा, बीटा बाई डेल्टा, उसके बाद एक लास्ट है गामा डेल्टा को अल्फा स्क्वायर से, गामा डेल्टा बाई अल्फा स्क्वायर, उसके बाद गामा डेल्टा बाई बीटा स्क्वायर, गामा डेल्टा बाई बीटा स्क्वायर, गामा डेल्टा एगो डेल्टा बाई गामा, और उसके बाद डेल्टा से कटा गामा बाई डेल्टा। तो आपको कुल मिलाकर किसका किसका आया, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आपको जो आया वह सिग्मा अल्फा बीटा बाई गामा स्क्वायर है ना, इसी में लगा दीजिए सिग्मा, सिग्मा अल्फा बीटा बाई गामा स्क्वायर। आई एगो किस तरह का फॉर्म आया, सिग्मा बीटा बाई अल्फा चाहे सिग्मा अल्फा बाई बीटा, अरे बोलो सिग्मा अल्फा बाई बीटे ही लिख दीजिए, यही ना आया, हमको वैल्यू इसी का ना निकालना है, अरे इसी का ना निकालना है। तो देयर फोर क्या होगा, सिग्मा अल्फा बीटा बाई
गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा बीटा इंटू सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर और माइनस सिग्मा अल्फा बाई बीटा। तो अब बताइए इसका मान ऊपर में निकाले हैं, बताइए सिग्मा अल्फा बीटा का मान क्या है, है ये क्यू है मान, हाँ क्यू है क्यू, और सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर देखो ना इसे निकाले थे सिग्मा वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस सिग्मा वन बाई अल्फा बीटा यही था ना। अरे बोलो आ इसका मान क्या था, सिग्मा व अल्फा इंटू सिग्मा यहाँ टू और यहाँ सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा वन बाई अल्फा और माइनस क्या था माइनस फोर है ना। तो इसका मान सब रख दीजिए तो क्यू इसका मान सिग्मा वन बाई अल्फा का मान माइनस आर बाई एस का स्क्वायर और इसका मान सिग्मा वन बाई अल्फा बीटा का मान जल्दी जल्दी बोलिए क्यू बाई एस क्यू बाई एस। उसके बाद माइनस सिग्मा अल्फा का मान माइनस पी और इसका मान माइनस आर बाई एस माइनस फोर। इसी को सोल्व कीजिए आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हो गया आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा कैमा था चौथा था ना, अब पचमा लिखिएगा। पचमा वी हैव टू फाइंड सिग्मा क्या है ये तो ये भी आसान है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। तो वी हैव सिग्मा अल्फा स्क्वायर और सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर कर दीजिए समझे कि नहीं। सिग्मा वन बाई बीटा स्क्वायर सेम ही हुआ तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अगुने सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर वन बाई बीटा स्क्वायर वन बाई गामा स्क्वायर वन बाई डेल्टा स्क्वायर गुना करो। पहले अल चार गो फिर होगा ए चार गो होगा पहले इसको इस सबसे गुना करो इसको सबसे इसको सबसे इसको सबसे गुना करो तो देखो क्या आ रहा है। अभी तक अंकल नहीं है नंबर है उनका ahem
चलिए आगे बढ़े। अरे क्या आया बताइए। हाँ ऐसा आया होगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया होगा। गुरुबक्के है, देखो देखो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, आ एगो तो कट के तो फोर हो गया है ना, तो अब इसका मान निकालना है तो इसको फोर को इधर कर दीजिए, तो देयर फोर सिग्मा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू सिग्मा वन बाई अल्फा स्क्वायर माइनस फोर। अब बताइए इसका वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं कि सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टू सिग्मा अल्फा बीटा है ना जी, और इसका मान जानते हैं पहले से सिग्मा वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टू सिग्मा वन बाई अल्फा बीटा है ना। अरे बोलो अब माइनस फोर, तो अब सब का मान रख दीजिए, इसका मान हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस टू इसका क्यूब हो जाएगा, उसके बाद इसका होगा इसका माइनस आर बाई एस माइनस टू आई, इसका मान होगा क्या क्यू बाई एस उसके बाद माइनस फोर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, उतार लीजिए है ना। छठा है लास्ट है, पहले इसको उतार लिया जाए उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। हो गया अरे हो गया, आगे बढ़े तो बहुत आसान है। एगो बनाइए छठा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सिक्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है सिग्मा, यही है ना। बहुत सारा होगा समझे कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी हैव सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बाई बीटा, बोलिए हैं सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बाई बीटा, तो इसका मान ऑलरेडी निकाले हैं ऊपर में और नहीं तो आपको निकालना होगा समझे कि नहीं। तो सिग्मा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, उसके बाद अल्फा देखिए क्या क्या होगा, अल्फा बाई बीटा अल्फा बाई गामा अल्फा बाई डेल्टा है ना, बीटा गाई बीटा बाई गामा बीटा बाई डेल्टा, अब बीटा बाई अल्फा नहीं होगा ये भी होगा सेम नहीं ना है, अरे अल्फा बाई बीटा नॉट इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, उसके बाद गामा बाई डेल्टा उल्टा भी करेंगे गामा बाई बीटा गामा बाई अल्फा, तीन तीन गो होगा उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे
डेल्टा बाई बीटा, डेल्टा बाई बीटा, डेल्टा बाई अल्फा, है ना जी? बोलो ना रे, डेल्टा बाई अल्फा, यही ना होगा? अल्फा बाई डेल्टा तो लिख चुके हैं, अब इसमें सबसे गुणा कीजिए, समझे? तो आपको आ जाएगा ये वाला वैल्यू, कीजिए कीजिए कीजिए, गुना करो, सबको गुना करो, आ गुना करके हमको दिखा के जाना, ठीक है? हाँ ऐसे भी, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, सिग्मा अल्फा ब्रेक हो जाएगा जल्दी, सिग्मा वन बाई अल्फा का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऐसे भी एक बार बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जो है आगे अब क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, ठीक है? समझ गए ना हो? तब चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करेंगे अब।